नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करें कि बहुत से मेरे भक्तों के फ़ोन आते हैं तो पूछते हैं, गुरु जी ये बताइए मेरा कौन सा काल सर्पयोग। आपको अब मैं बताऊं, काल सर्पयोग 12 प्रकार के होते हैं, जिसमें प्रथम काल सर्पयोग जो है उसको कहते हैं अनंत काल सर्पयोग। जी हाँ मित्रों, अनंत काल सर्पयोग कैसे बनता है और क्या क्या इसके परिणाम होते हैं, इन्हीं बातों को मैं आज आपसे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले हम आपको बताएं अनंत काल सर्पयोग। कुंडली में काल सर्पयोग निमित्त हो, जैसे अनंत काल सर्पयोग मैंने बताया, तो ये किस कैसे बनता है, कैसे आप जानेंगे कि हमारी कुंडली में अनंत काल सर्पयोग है। तो लग्न से लेकर के सप्तम में, जैसे आपका जो घर का पहला खाना होता है लग्न बोलते हैं उसको, लग्न से लेकर के सातवें स्थान में सभी ग्रह स्थिति हो तो अनंत काल सर्पयोग बनता है। इस योग वाला जातक अपने निकट जनों द्वारा, उसके जो संबंधी होते हैं, जो निकट के लोग होते हैं, उनसे धोखाधड़ी का शिकार होता है, धोखे में वो रखा जाता है। उसका वैवाहिक जीवन अपने साथी से विचार न मिलने के कारण कष्टमय होता है। वह मानसिक द्वंद्व से भी घिरा हुआ होता है, मानसिक अशांतियाँ भी उसको सताया करती हैं और वह भावुकतावश निर्णय लेने में भी असमर्थ होता है। वो कोई निर्णय अपने आप नहीं ले सकता। यह उसे मानसिक अशांति, मन अशांत रहता है, सोचता कुछ है करता कुछ है, अस्थिरता बनी रहती है। मानसिक अशांति के साथ साथ अस्थिरता बनी रहती है, जिससे वो कुछ सोचने और करने की उसकी क्षमता नहीं होती। और इसके साथ साथ षड्यंत्र उसके द्वारा रचे जाते हैं, या वह स्वयं षड्यंत्रों में फंसा लिया जाता है। जब वह षड्यंत्रों में फंसा लिया जाता है तो कोर्ट और कचहरी के चक्कर भी उसको लगाने पड़ते हैं और कचहरी में हानि प्रदान होती है ऐसे व्यक्ति को जिसकी कुंडली में अनंत काल सर्पयोग होता है। तो जैसा मैंने बताया, लग्न से सप्तम में सभी ग्रह स्थित हों और उसके अंदर राहु और केतु आगे पीछे हों तो ये काल सर्पयोग बन करके तैयार होता है। तो मित्रों, अगर आपकी भी जन्म पत्रिका में ऐसा कोई काल सर्पयोग है तो आप उसको किसी अच्छे ज्योतिषी से दिखा करके और उसका निदान करा लीजिएगा। निदान कराएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आप उज्जैन में, नासिक में, वहाँ पर भी करा सकते हैं, वहाँ पर भी मैं मिलता हूँ, नासिक और उज्जैन में, वहाँ पर भी आकर के आप करा सकते हैं। और इसके साथ साथ काल सर्पयोग हुआ, पितृदोष हुआ, मंगल शांति हुई, ऐसे ग्रहों की पूजा कराने से ही लाभ मिलता है। जब तक ऐसे ग्रहों की पूजा नहीं कराते तो लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।